नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त इंजीनियर अशोक वाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मन की वैक्सीन। इस महामारी के दौर में आपने वैक्सीनेशन तो बहुत सुना है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या वैक्सीन शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रही है? तो जिस तरीके से वैक्सीन हमारे तन को सुरक्षा देती है, क्या हमारे मन को भी किसी वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारे मन को भी शांत रहने की, सुरक्षा मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मन की वैक्सीन का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन से जो आंतरिक शांति प्राप्त होती है, उसके बाद बाहर का शोर हमारी भौतिक सफलताओं के लिए सहारा बन जाता है। आज की पीढ़ी जिस तेजी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहती है, उसमें इसके तन को तो खूब सक्रिय रहना है, पर मन को भी विश्राम देना पड़ता है। मन की शांति भी बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून की सबसे ज्यादा कमी है। आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, इंसान रोज की इस आपाधापी के शोर से थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन चाहता है कि अपने दिमाग को शांत रहे, अपने दिमाग की शांति चाहता है। ऐसा करने से वो सुख की अनुभूति करता है। अगर आप तनाव में हैं, दुखी हैं, अप्रसन्न रहते हैं, तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन ही एकमात्र रामबाण इलाज है। दरअसल मेडिटेशन दिमाग को शांत करने में काफी मददगार साबित होता है। अगर आपका दिमाग शांत और प्रसन्न रहेगा, तो आपकी सभी परेशानियां अपने आप ही हल होने लग जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया योग के द्वारा शरीर को और मेडिटेशन के द्वारा अपने दिमाग को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रही है। हम आपको मेडिटेशन से जुड़ी हर वो छोटी मोटी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं कि ये मेडिटेशन क्या है, ये मेडिटेशन कैसे करें, इसके क्या क्या फायदे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग मेडिटेशन को योग की तरह ही समझते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दोनों में काफी अंतर होता है। योग शरीर की कसरत है, योग शरीर की कसरत है, और मेडिटेशन हमारे दिमाग की कसरत है। मेडिटेशन हमारे दिमाग की कसरत है। माय डियर फ्रेंड्स, मेडिटेशन का अर्थ होता है एकाग्र भाव से ध्यान लगाना, जिसका उद्देश्य होता है मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करना, इंटरनल पीस। मेडिटेशन एक प्रकार की क्रिया है। इसमें इंसान को मन को चेतन की एक विशेष अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इसमें अपने मन को शांति से लेकर इंटरनल एनर्जी और या जीवन शक्ति का निर्माण करना हो सकता है, जो हमारी जिंदगी में सकारात्मकता और खुशहाली लाता है। मेडिटेशन की सहायता से कोई भी इंसान अपने उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। मेडिटेशन का चलन अभी हाल फिलहाल में ही नहीं आया है, बल्कि आदिकाल से लोग इसका इस्तेमाल शांति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए करते चले आ रहे हैं। मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं। हमारे समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो विफल होने के बाद खुद को संभाल लेते हैं और दोबारा अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में जुट जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो उस काम को करना ही छोड़ देते हैं जिनमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हार मानकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन सभी तरह की मन स्थिति से निपटने के लिए मेडिटेशन भी कई तरह से किए जाते हैं, लेकिन हर तरह के मेडिटेशन को करने का उद्देश्य संतुष्टि, मानसिक शांति, एकाग्रता और प्रसन्नता प्राप्त करना ही होता है।
वैसे तो मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहां आपको कुछ मेडिटेशन के नाम बताने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सहज योग मेडिटेशन, सहज योग मेडिटेशन यह बहुत ही सहजता से करने वाला मेडिटेशन है। सह यानी कि साथ, जय यानी जन्मा हुआ। योग से, इस सहज योग मेडिटेशन से तात्पर्य यह है कि जिसमें मनुष्य का संबंध परमात्मा से हो सकता है, सहज योग कहलाता है। इस तरह का मेडिटेशन आत्म जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। इसे करने के बाद में आपके अंदर की आत्मा के अंदर एक जागृति पैदा हो जाती है। इससे मनुष्य खुद को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। विपश्यना ध्यान, विपश्यना का नाम से मुझे बिल्कुल याद आ रहा है कि मेरे आइडियल डॉक्टर जीएल शर्मा साहब 10 दिनों तक विपश्यना केंद्र के अंदर मेडिटेशन करने के लिए गए थे। वो बिल्कुल वहां पर अपने गैजेट से दूर रहे और अपने ध्यान में लीन रहे। माय डियर फ्रेंड्स, यह बहुत ही जबरदस्त तरीके का मेडिटेशन होता है। इस तरीके के मेडिटेशन के जरिए इंसान खुद को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता है। यह ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इससे आपके मन में जिंदगी के प्रति अधिक संतुष्टि का भाव पैदा होता है। इसे करने से मानसिक विकास तेजी से होता है। इस प्रक्रिया से मैं ये कहूं कि सांसों का उपयोग किया जाता है। ये विपश्यना ध्यान उन लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक है जो हर समय बिजी रहते हैं, जिनका मार्गदर्शन करने के लिए वो अपने आप को तैयार करते हैं। ये विपश्यना ध्यान उसमें बहुत बड़ा लाभदायक रहता है। त्राटक ध्यान, थर्ड आई ध्यान, ये बहुत सारे ध्यान होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब लोग कहते हैं कि यार कैसे करें, मेडिटेशन का क्या फायदा है? जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो मेडिटेशन के बहुत जबरदस्त फायदे होते हैं। ये आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। माय डियर, मेडिटेशन करने की कुछ हम आपको सरल विधि बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेडिटेशन करने की बहुत सारी विधियां हैं जिनको अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन हम आपको कुछ सरल, कुछ खास तरह का जो मेडिटेशन होता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, वो हम बताने जा रहे हैं। वैसे बेहतर होगा कि आप एक अनुभवी ट्रेनर से ही ट्रेनिंग लें और तब जाकर मेडिटेशन करें। साथियों, मेडिटेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसा सही स्थान चुनें जहां पर आपका वातावरण बिल्कुल शांत हो, एक शांति रहे, वहां पर कोई शोर शराबा नहीं हो। दूसरा इंपॉर्टेंट मेडिटेशन करने में पॉइंट आता है कि सही समय चुने, एक ऐसा समय जिस समय कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, ज्यादा आवाज नहीं हो, एक सही शांत जगह बैठकर शांति से आप अपने सांसों को अनुभव कर सकें। सही समय मैं बताऊं आपको कि सुबह जल्दी का सही समय रहता है या फिर लेट नाइट। वो सुबह सुबह का जो मेडिटेशन होता है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो इसलिए सुबह सुबह इस मेडिटेशन को यदि आप समय देते हैं तो वो बहुत बेहतर रहता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने शरीर को बिल्कुल स्ट्रेस करें, बिल्कुल ढीले अवस्था में बैठें। इससे अपना शरीर एक सही मोड में आ जाता है। सही अवस्था में बैठें, सही अवस्था में यदि आप बैठते हैं तो आपके मन को शांति प्रदान होती है। श्वसन क्रिया, अपने सांसों को अनुभव करें, अपनी सांसों को इस तरीके से मेडिटेशन करते के लिए आपको एक अपनी सांसों को अनुभव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी श्वसन क्रिया के ऊपर फोकस करें, ध्यान लगाएं, आपकी सांसों को अनुभव करें। यह जो गहरी सांस लेना, और आप अपनी सांसों को गिन भी सकते हैं इस वक्त कि आपने किस तरीके से अपनी सांसें, कितनी सांसें ले रहे हैं। अपनी सांसों को लेना और उसको छोड़ने का एक सही समय रखें कि ऐसा नहीं हो कि जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं और जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं। मतलब बिल्कुल एक सही वे में आप सांस लें और छोड़ें। इसकी गति को ना तो बढ़ाएं ना ही घटाएं। दिमाग को एकदम खाली रखें,
मेडिटेशन के दौरान आपको महसूस होता होगा कि कई आलतू फालतू के विचार आने लगते हैं। इन विचारों से अपने दिमाग को बिल्कुल दूर रखें। खुद को एकाग्र करने के लिए आप अपनी सांसों को गिन सकते हैं, अपनी सांसों को फोकस कर सकते हैं, आप गिनती गिन सकते हैं उस वक्त। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को खाली रखें और सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस रखें, और मेडिटेशन को जब आप समाप्त करें तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। पूरा फोकस एक साथ नहीं हटाएं, धीरे धीरे अपना फोकस हटाएं, रिलैक्स महसूस करें। जहां बैठे हैं वहां पर थोड़ी देर आंख खोलकर बैठें। इस तरीके से आप अपने मेडिटेशन को कर सकते हैं। मेडिटेशन के बहुत ज्यादा फायदे रहते हैं। आप अपने टेंशन को दूर भगा सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं, आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, आपको मानसिक स्वास्थ्य इसमें लाभदायक मिलता है, आप अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। मेडिटेशन आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए, कई लोगों को गलत लत लगी रहती है, वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में भी मेडिटेशन कारगर साबित होता है। अपना जो एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अपने फोकस को बढ़ाने के लिए भी मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मेडिटेशन करके आप अपने मन के ऊपर शांति प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन का यह काम समय रहते यदि आपने नहीं किया तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। आपने सुना होगा कि जब मल्लाही लूटने पर आ जाए तो कश्ती और पतवार दोनों हथियार बन जाते हैं। मन की अशांति के चलते यह पीढ़ी कई खुद ही खुद को न लूट ले, स्वयं को स्वयं बर्बाद न कर ले, इसलिए समय रहते इसके लिए मेडिटेशन की वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, मेडिटेशन कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली होना चाहिए। आज के दौर में युवाओं को यह बात समझाने का बहुत ही सही समय है। शांति हमारे अंदर से आती है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करें, और हमारे अंदर शांति को महसूस करने के लिए मेडिटेशन ही एकमात्र वह रामबाण क्रिया है जिसके जरिए आप आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें आपकी, एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपके सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू अलॉट।